तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी और ख़ास वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आप सामने साउंड देख रहे होंगे दोस्तों, इस साउंड से दोस्तों जो हमें आज तीतर पकड़ने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखो, आपको तीतरों की आवाज़ सामने सुनाई देगी। दोस्तों इस साउंड को हम मोबाइल से कनेक्ट करेंगे और तीतर की आवाज़ निकालेंगे, जिस कारण साउंड हमारे ये तीतर जाली में आकर फंस जाएंगे। तो दोस्तों उस जगह से पंदिया भी इस जगह लगाई जा रही है। तो दोस्तों देख लो सामने अपना साउंड रखा हुआ है, और दोस्तों और सामने देख लो बहुत अच्छी तरीके से जो फंदी बिछाई जा रही है। दोस्तों काफ़ी झाड़ होने के कारण दोस्तों फंदी बिछाने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, और आज आपको हम बहुत ही सरल तरीका बताने वाले हैं तीतर पकड़ने का। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, जो है कि फंदी दोस्तों उन झाड़ों के पार ले जाई जा रही है उस खेत में, ताकि तीतर निकल नहीं पाए और साउंड की वॉइस से आकर फंदी में फंस जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कुछ झाड़ हैं, तो दोस्तों इन्हें भी हटाया जाएगा कि दोस्तों तीतर फंदी के बगल से नहीं निकल जाए। और दोस्तों बहुत ही जो वहाँ पर देख लो, अब लगभग हमारी फंदी जो है काफ़ी लंबी बिछ चुकी है, और दोस्तों अभी बिछाया जा रहा है, तो दोस्तों फंदी जल्द ही बिछने वाली है। और दोस्तों हमारा साउंड रखा है दोस्तों, ऊपर ब्लूटूथ दिख रही होगी आपको, ब्लूटूथ से ये कनेक्ट होता है। तो दोस्तों अब हम आज साउंड से जो है अपना तीतर पकड़ेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों लगभग हमारी जो फंदी है वो यहाँ पर बिछ चुकी है दोस्तों, अब हम यहाँ से साउंड को उठाएंगे और दोस्तों इन झाड़ियों में रख देंगे, और फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर यहाँ पर तीतर की आवाज़ निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपना तीतर है जो आकर यहाँ पर फंस जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, मैं साउंड को उठा लेता हूँ, और दोस्तों साउंड को उठाने के बाद देख लो दोस्तों, उस झाड़ियों में मैंने साउंड को रख दिया है, और सामने लाल निशान दिख रहा है, वहाँ पर आपको जाली दिख रही होगी। और देख लो दोस्तों, अभी मैं इन झाड़ियों में छुप कर बैठा हूँ, और दोस्तों अपना साउंड है जो कि ये रखा हुआ है दोस्तों, तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट है, और सामने हमारी जाली